आज हम बेसनी भिंडी बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट होगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दीजिए। हमने नॉनस्टिक कढ़ाई लिया है। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए उसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दीजिए। जैसे ही सरसों का तेल गरम हो जाए इसमें प्याज का डाल दीजिए। हमने एक बड़े प्याज को पतला पतला करके काट लिया है और इसको अब हम सरसों के तेल में फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं हम भिंडी की तैयारी कर लेंगे। भिंडी को हमने अच्छे से धोने के बाद काट लिया है। भिंडी को बहुत छोटा छोटा नहीं काटा है हमने। देखिए इस साइज में भिंडी को काट लीजिए। एक साइज में भिंडी को काटिए। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। भिंडी में सारे मसालों को मिला लीजिए। मसालों से अच्छे से भिंडी को कोट कर लीजिए। हम सूखे मसालों को भिंडी में कोट कर रहे हैं। कढ़ाई में 1 टीस्पून सौंफ डाल दीजिए और इसको भी प्याज के साथ फ्राई होने दीजिए। प्याज अभी सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे। और बेसन को भी प्याज के साथ भून लेंगे। प्याज और बेसन अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें भिंडी डाल देंगे और भिंडी को भी फ्राई कर लेंगे। भिंडी को ढककर पका लीजिए। ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे भिंडी पकी कि नहीं। भिंडी पक गई है। बेसनी भिंडी बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। हमने बेसनी भिंडी को सर्व कर दिया है। ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ इस चैनल में शेयर करती हूँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम।